में अक्रॉस बहुत द बहुत बहुत बॉर्डर। ज्यादा क्रॉस बॉर्डर, भारत में, भारत मतलब बॉलीवुड में बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट मूवीज जिन्होंने बहुत ज्यादा बिजनेस किया, उन्होंने बिल्कुल कितना बिजनेस किया, कितना पैसा कमाया, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि 2022 में बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म्स लगी जिसमें साउथ इंडियन फिल्मों ने ज्यादा अपना सिक्का बिजनेस बनवाया। कमाया, बिल्कुल बिल्कुल जी। किया। और साउथ इंडियन फिल्मों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हों, किसी और कंट्री से हों या भारत से हों, तो साउथ इंडियन मूवीज का लोगों के दिलों में, फैंस बड़ा के एक दिलों में एक क्रेज अलग है, ही क्रेज क्रेज है है। बिल्कुल। बिल्कुल, जिसमें फिल्म KGF 2, KGF 2 बिल्कुल, बिल्कुल जी, KGF 1 ने भी बड़ा बिजनेस KGF किया टू था। का बहुत ज्यादा बिजनेस हुआ है और उसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत लंबा अरसा राज किया है। इसके अलावा भी और बहुत सारी मूवीज हैं, उनका भी हम आपको बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उनकी लेकिन तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल जी, 14 अप्रैल को रिलीज हुई ये मूवी जिसने बिजनेस किया 427 करोड़, चार सौ और एक सत्ताईस करोड़ रिकॉर्ड का बना रिकॉर्ड लिया, बिजनेस था। एक बिल्कुल रिकॉर्ड बना लिया। 427 करोड़ इसने बिजनेस किया और एक रिकॉर्ड कायम कर लिया। मैं कहती हूँ क्या बात है, इतना ज्यादा बिजनेस बिल्कुल कभी, वैसे अपनी मूवीज, हमारी मूवीज ने कितना बिजनेस किया है ये भी रिकॉर्ड निकलवाएंगे, डाटा बिल्कुल अपने निकलवाएंगे, किसी व्यूवर्स सेगमेंट के के साथ शेयर करेंगे इसी आने वाले सेगमेंट के दिनों आने में वाले दिनों बताएंगे। में ना। बिल्कुल इंशाल्लाह। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फिल्म RRR बहुत ज्यादा फेमस रही, लोगों ने बिल्कुल बहुत ज्यादा जी, पसंद किया। ये भी एक साउथ इंडियन फिल्म है जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसने 275 करोड़ बिजनेस किया, और 275 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट अमाउंट है है। बिल्कुल। और देखिए, वही हम बात करते हैं, इंडियंस की जो एक इंडस्ट्री है वो बहुत वास्ट है, वास्ट है बहुत बड़ी है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी उनके मुनाफे से बढ़कर होती है। बिल्कुल, तो उन जिनको मुनाफा इतना ज्यादा है फिर वो इतना इन्वेस्ट भी करते हैं तो उन्हें कुछ दुखता नहीं है। दुखता नहीं खैर, है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हाल में ही रिलीज होने वाली भूल भुलैया 2 मूवी जो है। भूल भुलैया ने भी अच्छा, बहुत मैंने इसको ज्यादा रात बिजनेस में ही किया देखा है था। और काफी एक इंटरेस्टिंग मूवी है अच्छा, मैंने भी वैसे रात में ही देखा ये है काफी इंटरेस्टिंग मूवी और है। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। और यहाँ पर तो अब सिनेमा घरों में तो लगती नहीं है, तो आपको डाउनलोड करनी पड़ती डाउनलोड है करनी पड़ती या है। आपको नेटफ्लिक्स वगैरह जैसी जगह पर देखनी पड़ती है। खैर, फिल्म भूल भुलैया 2 ने भी बहुत ज्यादा बिजनेस किया है और 177 करोड़ अभी तक ये समेट बड़ी चुकी है, अमाउंट है जी ये भी एक। बहुत बड़ी अमाउंट है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी एक बहुत अच्छी फिल्म है और एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, और इसने भी बहुत ज़्यादा बिजनेस किया। आपको बताते हैं 126 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, जिसमें फिल्म में आलिया भट्ट की अदाकारी ने बहुत ज़्यादा चार लोगों चांद को लगाए हैं चार अगर। चांद लगाए और शायकीन ने बहुत ज़्यादा पसंद की उनकी अदाकारी। और ये थी हमारी आज की शोबिज़ की दुनिया की कुछ खबरें, जिसमें हमने आपको बताया कि आयजा खान का रियल नेम किंजा खान है किंजा खान है और इसके बिल्कुल। साथ साथ हमने आपको बताया कि इंडिया की बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट मूवीज़ ने कितना बिजनेस किया। खैर तो